के सुचडू गांव में बीती 3 जून की देर रात एक बंद पड़े मकान में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस से 24 घंटे के अंदर एक शातिर चोर अब्दुल रहमान निवासी किदवई नगर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की लाखों रुपए की ज्वेलरी और 80,000 रुपए कैश बरामद किए। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते बताया कि पकड़ा गया बदमाश बड़ा ही शातिर किस्म का बदमाश है, जिस पर पहले भी चोरी और लूट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। चोरी के इस खुलासे में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की सभी चीजें बरामद कर ली गई हैं। सर, कोतवाली पुलिस ने गुड वर्क किया है, चोरी का खुलासा क्या है सर? कल 5 तारीख को हमारा जो सुजुड़ क्षेत्र में एक जिनका नाम अब्दुल मजीद है, उनके घर में चोरी हुई थी और तकरीबन उसमें 3 लाख रुपए की चोरी थी। कुछ उनकी नकदी और कुछ जेवरात उसमें चले गए थे। उसमें हमारी कोतवाली पुलिस ने और खासकर उसमें जो हमारे चौकी इंचार्ज बहलना है उनकी टीम को उसमें लगाया गया। उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है। उसमें एक ही चोर था, उसको गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अब्दुल रहमान कुतुब मुसाफत है, जो कि किदवई नगर का रहने वाला है। इस पर पूर्व में भी मुकदमे हैं और ये 100% माल, 80,000 रुपये नकदी, सोने चांदी के जेवरात जितने उनके गए थे, 100% माल बरामद करके चोर को गिरफ्तार किया है। उसको जेल किस तरह देखते हैं सर इस गुड वर्क को? बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। इतनी जल्दी पुलिस ने इसमें जो पुलिस की कार्यशैली है बहुत ही इसमें अच्छी रही और पुलिस ने बहुत ही जल्दी इसको इसमें अच्छे आत्मीयता से काम किया है और बहुत बढ़िया से गुड वर्क किया है। इसमें 100% रिकवरी हुई है और मात्र 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, उसमें पुलिस ने इसको वर्कआउट करके और वादी को पूरा मार दिया।